ये 12 दिसंबर की तस्वीरें हैं। इनकम टैक्स की रेट का 7वां दिन था और जगह थी रांची। धीरज साहू के किंगडम की टॉप एंगल तस्वीरें देखिए। एक नहीं, दो नहीं, कई लग्जरी गाड़ियां यहां शोपीस की तरह खड़ी हैं। इस घर में 40 से ज्यादा कमरे हैं। रेड करने आई टीम ने एक एक कमरे को खंगाला। बावजूद इसके सस्पेंस का सेंटर रहा लोहरदगा, क्योंकि यहां धीरज साहू का पुश्तैनी निवास है, जिसे पूरे झारखंड के लोग व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का ये पुश्तैनी घर है, जो झारखंड के लोहरदगा जिले में है। इसे यहां पर व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। उनका शराब का कारोबार करीब 100 साल पुराना है और ये सिर्फ उड़ीसा और झारखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साहू परिवार की गिनती देश के 7 राज्यों में बड़े शराब कारोबारियों के रूप में होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जब यहाँ पर रेड की थी, तब यहाँ से करीब 11 करोड़ रुपए बरामद किए थे। जानकार बताते हैं कि धीरज साहू के पिता बलदेव प्रसाद साहू ने अपने शराब के कारोबार की शुरुआत इसी पुश्तैनी घर से की थी। लोहरदगा के व्हाइट हाउस में भी 30 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां दिखी। सूत्रों के मुताबिक धीरज साहू के ब्लैक मनी कारोबार का कंट्रोल रूम लोहरदगा का यही व्हाइट हाउस है। इस घर से धीरज साहू की कई अनदेखी तस्वीरें भी रिलीज हुई, कभी चीते के साथ तो कभी शेर के साथ, लेकिन खूंखार और शक्तिशाली जानवरों पर फतेह हासिल करने वाले धीरज साहू खुद आयकर विभाग के आगे लाचार हैं। उनके ठिकानों पर रेड होती रही और वो हफ्ते बाद मीडिया के सामने आए। और मैं चाहता हूं कि इसका मैं अपने तरफ से इसका खुलासा कर दूं, लोगों को जानकारी मिले। और मैं दिल्ली में ही था, आप लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई थी, आप लोगों के सामने आने मुझे शर्म महसूस हो रही थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पैसा पकड़ाया है वो मेरा फर्म का पैसा है। हम लोग शराब का व्यवसाय में तकरीबन हम सोचते हैं कि 100 साल से भी ऊपर हो चुका है। और यह मेरा पहला ऐसा वारदात हुआ मेरे साथ में, इससे मेरे दिल में काफ़ी चोट पहुंची है, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मेरे पर कोई विवाद ना हो। धीरज साहू का दावा है कि रेड में मिली रकम का हिसाब उनके पास है। बीजेपी का कहना है कि धीरज साहू काली कमाई के किंग हैं। सच और झूठ को समझने वाली ये बेजान इमारत सैकड़ों सालों से सफेद है, इसीलिए इसे व्हाइट हाउस कहते हैं। अब सवाल है कि लोहरदगा में बने इस व्हाइट हाउस से जुड़ा अतीत क्या है, जिसकी वजह से धीरज की धाक बनी थी। दरअसल धीरज साहू के पिता बलदेव साहू फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता, व्हाइट हाउस में आते और ठहरते। देसी शराब, होटल कारोबार, इंटरनेशनल स्कूल और हॉस्पिटल से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इस परिवार का निवेश रहा है। ओडिशा और झारखंड में ज्यादातर शराब की फैक्ट्रियां साहू परिवार की ही हैं। इसमें कुल हम लोग 6 भाई थे, 6 भाई हैं और उनके बच्चे लोग भी हैं। आज बच्चे लोग सब व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और हमारा 100 साल से भी ऊपर का जो कंपनी है या फिर ये पुराना यह बिजनेस है। और हम यह जो कैश का जो पकड़ा गया है, ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है। हमारा परिवार पिछले 100 साल से अधिक से चलता आ रहा है तथा हमारा जो भी कारोबार है वो बिल्कुल पारदर्शी है। ये तो हुई पैसे की बात, अब करते हैं सिस्टम की बात। धीरज साहू के पास जितनी दौलत है, राजनीति से उनका रिश्ता भी उतना ही मजबूत है। खुद तो 3 बार राज्यसभा के सांसद हैं। धीरज साहू कुल 5 भाई हैं, जिनमें से 4 भाई राजनीति में एक्टिव हुए। एक भाई शिव प्रसाद साहू तो रांची से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद रहे। एक और भाई गोपाल साहू मोदी लहर में 2019 में कांग्रेस के टिकट पर हजारीबाग से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। एक और भाई हैं उदय साहू, वो भी सियासत में सक्रिय हैं। धीरज साहू के गढ़ में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो साहू परिवार की
तारीफ करते हैं। शुरू से ये जो है दानवीर रहे हैं। इंदिरा गांधी भी जब प्राइम मिनिस्टर थी, जब भी उनका झारखंड में दौरा होता था और इस घर में वो जरूर आती थी। लोहरदगा का जो इनका पुश्तैनी मकान है, धीरज साहू के घर में मिली रकम बीजेपी के लिए बूस्टर है, मौका है और कांग्रेस के लिए मुश्किल सवाल। बीजेपी खुलकर धीरज साहू के कांग्रेस कनेक्शन पर प्रहार कर रही है और कांग्रेस के पास बचाव में एक ही जवाब है। तो ये किसको लूट कर पैसा भरा गया है? कांग्रेस का ये नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम है? इसका जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। व्यवसाय जो करेंगे उसका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेरोजगारी है का दंश से झेल रहे हैं। इस राज्य में अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, तो आईटी के नाम पर अब ये लोग फिर से एक बार झूठ छल प्रपंच फैलाने का काम कर रहे हैं। 24 के चुनाव से पहले धीरज साहू के मुद्दे को बीजेपी भुनाने में जुटी है। कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। खबर है कि धीरज साहू मामले में ईडी और सीबीआई की भी एंट्री हो सकती है। अटकलें यहां तक हैं कि साहू साम्राज्य के सुल्तान और कैश लोक में उठे तूफान का ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है।